ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि तुम देख चुके हैं, हम बात करें जो कलाम एकेडमी द्वारा जो 4 अप्रैल को आपका पेपर हुआ है, तो ये प्री रीड था, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो भी देख लेंगे। ठीक है, और ये पेपर सॉल्यूशन है, ये आपका लेबर फर्स्ट के लिए है। ठीक है, जो लेबर फर्स्ट यानी 1 से 5, तो कंप्लीट पेपर देखेंगे इसमें क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, तो पहला पोर्शन है आपका जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट और आपका एंड पैडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इससे 30 क्वेश्चन बनते हैं। तो इन 30 क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन था गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के तत्वों में समायोजित किया गया, तो वो आपके जैसे समायोजित किया, इसी सिद्धांत को बोलते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल, और त्रिआयामी मॉडल भी बोल देते हैं, यानी इसे 3 डायमेंशनल थ्योरी भी बोल देते हैं। ठीक है, और सीओ कॉप भी बोल देते हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन से तत्व समायोजित है। ठीक है, तो इसमें है एक तो संक्रिया है, विषय वस्तु है, उत्पाद है, यानी इसे बोलते हैं ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर पहला ही। अगर बात करें तल रूपी ठोस रूपी, ये आपके कैटल से संबंधित है। सामाजिक मूर्त और अमूर्त, ये आपके थोंडाइक और गैरेट से संबंधित है। सामाजिक और विशिष्ट और सॉरी सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, ये स्पीयर में से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो बना था। अगला क्वेश्चन था कि रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस प्रकार का परीक्षण है। तो ये आपने अगर पढ़ रखा है तो ये अशाब्दिक होता है। ठीक है, नन वर्बल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व तो मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है, यानी ये कह रहा है कि नॉट ए बिहेवियर एनालिसिस मेथड पर्सनैलिटी मेजरमेंट, यानी ये कह रहा है कि जिसमें हम व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है, तो वो बताना है। देखो इसमें हो जाएगी रोसास्याई धब्बा परीक्षण, जैसे रोसा से इंक ब्लॉट टेस्ट बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि आपके जो अचेतन मन की बातें छिपी रहती हैं उन्हें निकाला जाता है, यानी ये प्रक्षेपण विधि के द्वारा निकाला जाता है। तो यही नहीं है क्या व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि। ठीक है, बाकी जो 3 है ये है सभी हैं, यानी व्यवहारात्मक विधि है बाकी। चलो अगला क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था कि सेल्डन ने कौन सी विशेषता आयताकृतिक प्रकार के व्यक्तित्व की नहीं है, जिसे बोलते हैं मीजोमॉर्फिक की विशेषता नहीं है, ये बताना है, विशेषता नहीं है। तो देखो मजबूत पेश मजबूत व पेशीय शरीर वाले होते हैं, ये बिल्कुल सही है, यानी स्ट्रॉन्ग जो मस्कुलर बॉडी होती है, तो इनकी पाई जाती है किसकी, जो आयताकृतिक होते हैं या मीजोमॉर्फिक होते हैं। और सुसंगठित शरीर वाले होते हैं, तो ये भी सही बात है, ऊर्जावान एवं साहसी होते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन कलात्मक अंतर्मुखी, ये आपके अगर आपने आपने ये सेडल है तो आपके हाँ यही बात सही है। सेल्डन का जो एक्टोमॉर्फ होता है, सॉरी इन्होंने 3 भागों में बांटा था, एक तो था एंडो, मीजो और एक्टो। तो ये एक्टो की विशेषता है कौन सी वाली, ये वाली कलात्मक और अंतर्मुखी। ठीक है, तो जो मीजो था 2 नंबर पे, तो उसकी ये 3 विशेषता थी ए बी और सी, और जो डी ऑप्शन है वो कलात्मक और अंतर्मुखी विशेषता एक्टोमॉर्फिक की होती है। ठीक है, तो यही अलग हो जाएगा, यानी इसने यही पूछा था क्वेश्चन में कि व्यक्तित्व की नहीं बताई जा सकती, यानी कौन सी विशेषता नहीं है, तो यही थी 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था 5 नंबर क्वेश्चन, ये था कि फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संबंध में निम्न में से किस कथन से आप सहमत नहीं है, ये बताना है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है कि इड अहम और पराहम संप्रत्य न होकर ये वास्तविक भौतिक संरचनाएं होती हैं, तो हम सहमत इसी ऑप्शन से नहीं होंगे, ये वास्तविक नहीं होती है, ये काल्पनिक ही होती है, हम मन में कुछ भी सोचते रहते हैं। ठीक है, तो ये वैसी इड अहम उपराहम ये काल्पनिक ही है, ये वास्तविक नहीं होती है। ठीक है, बाकी ये 3 ऑप्शन है ना, ये सभी सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आया था आपका, ये है यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में निम्न स्तरीय निष्पादन के बाद एक नया कलम खरीदता है और यह कहता है कि वह आगे की परीक्षा में भी नई कलम के साथ उच्च स्तर का निष्पादन प्रदर्शित करेगा, तो यह रचना युक्ति कौन सी होगी, या कह सकते हैं ये डेनियल होगी, या रिएक्शन फॉर्मेशन होगी, या रेशनलाइजेशन होगी, या रिग्रेशन होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ये रेशनलाइजेशन यानी युक्तिकरण होगी। यहाँ पे यह तर्क दे रहा है, ये यानी अपनी जो भी अचेतन मन की अचेतन तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे जो भी अपनी कह सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे ले सकते हैं कि परीक्षा असफल हो जाता है, हाँ अपनी असफलता के लिए कि तर्क दे रहा है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा युक्तिकरण। ठीक है, अगला है कि वह विकार जिसमें व्यक्ति अधिक मात्रा में तो खाना खा लेता है, उसके बाद
क्या लगा इसमें। उसके बाद रेचक से या उल्टी करके खाने को शरीर से बाहर निकाल देता है और व्यक्ति पीठ साफ होने के पश्चात तनाव व नकारात्मक संवेगों से अपने आप को मुक्त महसूस करता है, यह किस प्रकार का विकार है? तो देखो पहला ऑप्शन है क्षुधा अभाव, दूसरा क्षुधति संहिता, हिंदी पद कैसे लिखी है, अनियंत्रित भोजन और कैटाटोनिक जड़मा। तो ये पहला ऑप्शन है एरोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा, तीसरा है बिंगे एटिंग और चार नंबर ऑप्शन है कैटाटोनिक, इसमें देख रहा है स्टूपर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दो नंबर, यानी इसे बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, और ये आपके एनसीईआरटी फोर्थ नंबर चैप्टर में दे रखा है क्या, बुलिमिया नर्वोसा और आपका एरोनेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, ये दोनों दे रखे हैं एक ही जगह साथ में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8 के। अधिगम आवश्यकता वाले बालक में क्या चीज़ें होती हैं या नहीं होती है, वो हमें खुद से चूज करना है इसमें। अधिगम आवश्यकता वाले बालक में तो देखो पेशी समन्वय में वह हस्त निपुणता उच्च कोटि की होती है, ये तो जरूरी नहीं है। स्थान और समय की समझदारी नहीं होती है। अवधान से जुड़े विकार अनुपस्थित होते हैं, अवधान से जुड़े विकार अनुपस्थित होते हैं, ये भी नहीं होता है। और पठन वैकल्प के लक्षण पाए जाते हैं, ये बात सही है। ठीक है, पठन वैकल्प का मतलब पढ़ने में डिसेबिलिटी या कमी अक्षमता ये पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 9 नंबर, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगी, आप पढ़ के देख लेना। जैसे उन्नत तार्किक चिंतन, प्रश्न करने की प्रवृत्ति तथा समस्या समाधान करने की अधिक योग्यता भी होती है, सूचना प्रक्रमण की उच्च गति भी होती है, इनमें सामान्यीकरण तथा विभेदन करने की योग्यता श्रेष्ठ होती है, यानी ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे प्रतिभाशाली बालक की विशेषता के। ठीक है, अगला क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन है कि सृजनात्मक संभाव्यता की सीमाएं व्यक्ति की आनुवंशिकता के द्वारा तो निहित की हो जाती हैं तथा पर्यावरण सृजनात्मक के विकास को उद्दीपित करते हैं, रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द यही होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ये कह रहा है कि मानसिक रूप से विबंधित बालकों की बुद्धि लब्धि का वह स्तर जिस पर उनको केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि वे अपने दैनिक कार्य स्वयं कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 25 से 50। यहाँ पर ट्रेंड शब्द आया, आप ध्यान से देखो ये वाला। ठीक है, और अगला देख लेते हैं, अगला है 12 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीईआरटी 2005 में उल्लेखित मार्गदर्शक सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आपका पहला ऑप्शन था ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, तो ये बिल्कुल सही है। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त या सुनिश्चित करना, ये भी बात सही है। परीक्षा को अपेक्षा का कठिन बनाना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, यही पूछा था कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, यही पूछा है कि इसने यही पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला देख लेते, 13 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित नहीं है, वो चीज़ बतानी है इसके अंदर। ठीक है, अध्याय 4 जो है 12 से लेकर 28 धारा है इसमें, तो अब बताओ उनके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखो गैर शैक्षिक कार्यों प्रयोजनों के लिए शिक्षक को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध है, यानी जैसे मतगणना हो गई और जनगणना हो गई, आपदा प्रबंधन, इनमें शिक्षकों को लगा सकते हैं। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय विकास योजना, तो ये आपके इसी के अंतर्गत आ जाएंगी, किसके धारा 4 के। ठीक है, बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, ये भी आपकी धारा नंबर 4 के अकॉर्डिंग चलेगी। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम उसका पूरा किया जाना बात सही थी धारा 4 के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है ये आपकी धारा 29 हाँ सही है, अध्याय 5 के धारा 29 के 2 नंबर की बात है ये, तो ये गलत है, यानी ये वाली लाइन, और बाकी सभी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी ये इसने यही पूछा था कि नहीं है, तो ये इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि क्रियात्मक अनुसंधान की नहीं है, यानी विशेषता बतानी है इसमें से क्रियात्मक अनुसंधान की नहीं है। ठीक है, देखते हैं पहला ऑप्शन, इसका उद्देश्य विद्यालय एवं कक्षा की कार्यप्रणाली में सुधार होता है, सही बात है। इसमें समस्याएं अनुभवजन्य न होकर वैज्ञानिक पद्धति से चयन की जाती है, तो ये बात गलत है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति नहीं यूज की जाती है, जो भी रोजमर्रा की चीज़ें होती है स्कूल के अंदर या विद्यालय के अंदर उनसे संबंधित होती है, ना कि वैज्ञानिक होती है। ठीक है, तो ये राइट
मतलब हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, यही पूछा था कि कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला है कि मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वो हो जाएगी आपकी कि मूल्यांकन का क्षेत्र एक संकुचित होता है और सीमित होता है, जबकि ऐसा नहीं होता, व्यापक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन सही है। अगला है कि सीखने का प्रतिफल का उद्देश्य है, तो ये आप पढ़ते हो कि ऐसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का गुणात्मक शिक्षण सुनिश्चित करना, बालकों के सीखने के लिए सीखने एवं निरंतर प्रगति स्तर को जांचने के लिए मानदंड तय करना, और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास करना, यानी ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था, तो ये आपका किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन था विकास के संदर्भ में या विकास में के संदर्भ में असत्य कथन बताना है, इसमें से असत्य बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखते हैं कि ये कह रहा बालक में वर्तमान में दृष्टि में कोई भी परिवर्तन उसके पूर्व के अनुभवों एवं वृद्धि का संचय होता है, ये बात सही है। विकास प्रक्रिया में बालक का व्यवहार विभेदीकृत से अविभेदीकृत वह परिष्कृत से अपरिष्कृत परिलक्षित होता है, तो यही राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सी टेट 2019 का क्वेश्चन देखना, वहाँ पर ये वहाँ से उठ लिया गया, ये वाली लाइन तो प्रॉपरली, ठीक है। तो ये कह रहा है कि विभेदीकृत से अविभेदीकृत होता है, ये गलत बता दी इसने, अविभेदीकृत से विभेदीकृत अपरिष्कृत से परिष्कृत, यानी ये कह सकते हैं हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये तो ये होता है, ये उल्टा इन्हें उल्टा बता दिया, सूक्ष्म से स्थूल, ठीक है। इसका ये मतलब कहने का, यानी जो परिष्कृत से अपरिष्कृत बता रहा है, यानी ये कह रहा है कि विकास सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है, जबकि गलत है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, तो ये भी आप जानते हो, तो ये अकॉर्डिंग टू इसके ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न युग्मों में से असत्य युग्म छांटिए, शैशवावस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्रता से होता है, ये बात सही है। पूर्व बाल्यावस्था खिलौने की आयु, ये भी बात सही है। उत्तर बाल्यावस्था पूर्व विद्यालय, यानी ये पूछ रहा है प्री स्कूल एज होती है वो आपकी प्री प्री, या हम कह सकते हैं ये पूर्व बाल्यावस्था ही विशेषता है, तो हम कह सकते हैं प्री चाइल्डहुड की बात है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, कौन सा सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, और 4 नंबर ऑप्शन तो चाहे सही ही है, किशोरावस्था वीर पूजा की भावना होती है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न लिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये कह रहा है इस अवस्था में बालक का केंद्रीकरण प्रवृत्ति में कमी आ जाती है, 2 नंबर ऑप्शन है बालक के चिंतन में उत्क्रमणीयता, ठीक है, और 3 नंबर ऑप्शन है बालक की संग्रहण और संरक्षण और वर्गीकरण प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, तो ये आपके किसे कॉन्क्रीट सक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है, यानी सी नंबर ऑप्शन से संबंधित है। ये कह रहा है कि 4 वर्षीय बालक निम्नलिखित में से विकासात्मक प्रक्रिया की किस अवस्था से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा पहल बनाव तो उसकी अवस्था, 4 नंबर ऑप्शन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। किस आयु तक के बालकों में 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता का विकास हो जाता है, तो ये बताना, ये हो जाता है आपका 20 से 24 माह की आयु, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, तो असत्य कथन हमें चूज करना है इसमें से। पहला ऑप्शन है बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण एक दूसरे के पूरक और सहायक और सहयोगी होते हैं, तो ये बात तो सही है। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध गुणात्मक नहीं होकर योगात्मक होता है, तो अगर आपने बुडवर्थ का अगर स्टेटमेंट अगर देखा है, मतलब बाल विकास के संदर्भ में, तो वो कहते हैं कि वातावरण इनटू अनुवांशिक, यानी ये गुणात्मक होते हैं क्या, वातावरण और अनुवांशिक या वंशानुक्रम, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन हमें पूछा गया था इसमें क्वेश्चन में, ये पूछा था कि असत्य बताइए, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अब हमें सही बताना है कि कौन सा होगा, चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन है परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अभ्यास व अनुभव पर निर्भर करती है, तो गलत है, क्योंकि परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया, यहाँ तक तो सही थी, लेकिन जो अभ्यास अनुभव पर निर्भर करती है, भाई परिपक्वता जो होती है आप खुद भी जानते हो समय के अनुसार परिवर्तन शरीर में ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, अभ्यास अनुभव की जरूरत नहीं होती। परिपक्वता के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं है, बिल्कुल सही है, अधिगम परिपक्व
अधिगम है वो परिपक्वता से प्रभावित होता है, तो ये भी लाइन गलत हो गई, यानी ये भी क्वेश्चन गलत है। परिपक्व सीखने पर निर्भर नहीं करता बल्कि सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है, यानी मेच्योरिटी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो सकता है राइट। और परिपक्वता के परिणाम स्वरूप मनुष्य की संभाव्य क्षमताओं की सीमाओं का निर्धारण असंभव है, ये गलत है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन में ये कह रहा है कि परिपक्व यानी मेच्योर सीखने में नहीं करता, मतलब निर्भर नहीं करता है, जबकि सीखना जो लर्निंग है वो आपकी मेच्योर पर निर्भर करते हैं, यानी जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आप सीखने की क्षमता है वृद्धि होती जाएगी, यानी ब्रॉड माइंड कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, सीखने में क्षमताओं का अधिक कह सकते हैं ग्रहण कर सकते हैं, तो वो संबंध है, तो इसका इसलिए हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन था कि एक बालक किसी साइकिल के पास जाता है और उसी दौरान साइकिल का टायर तेज आवाज के साथ फट जाता है। अचानक हुई इस घटना से बालक डर जाता है और भविष्य में साइकिल के पास जाने से घबराता है। उक्त घटना के संदर्भ में सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखो साइकिल यहाँ पे कह सकते हैं कंडीशनल स्टिमुलेट है, बिल्कुल सही है, और तेज आवाज़ यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलेट है, ये भी बात सही है, और यहाँ पे जो डरना है वो आपका अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है, ये भी सही है, यानी प्रयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं आपका है, ये आपको सिद्धांत के उपनाम दे रखे हैं वो मिलान करने हैं, उनका किससे संबंध है। देखो परिचयात्मक ये संबंधित होता है आपका बांडूरा, ठीक है, 1 का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। अव्यक्त टोलमैन यानी टोलमैन 2 नंबर ऑप्शन, तो ये इसमें भी सही, दो 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 है। अंतर्दृष्टि ये कॉलर से यानी 5वां नंबर ये, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि अंतर्दृष्टि कॉलर से संबंधित है और बाकी क्रिया परिषद आपका स्किनर से संबंधित, तो यानी ये सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि असत्य चाटिए, यानी 27 नंबर वो कह रहा है असत्य चाटिए, तो हम छाटते हैं देखते हैं। चिंतन संगठित तो लक्ष्य निधि से वो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होता है, सही बात है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है, ये भी बात सही है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, ये बात तो सही है, जिसमें संज्ञानात्मक एवं गत्यात्मक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, ये गत्यात्मक जो शारीरिक होती है ना वो सम्मिलित नहीं होती, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक तो सही था ये स्टेटमेंट ज्ञानात्मक, लेकिन ये गत्यात्मक जोड़ते ही ये गलत हो गया। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कल्पना के विषय में सत्य कथन क्या है, कल्पना के बारे में। कल्पना का संबंध समस्या समाधान व्यवहार से है, ये तो गलत है। कल्पना में क्रमबद्धता और तार्किकता पाई जाती है, ये भी गलत है। कल्पना का वास्तविक से कोई संबंध नहीं, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, मतलब कौन सा कथन है जो अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। अभिप्रेरणा एक बाह्य है, बिल्कुल ठीक है, बाह्य एक अभिप्रेरणा है या बाह्य अवस्था है जो काल्पनिक न होकर वास्तविक होती है, तो हमें बताना ये है कि इसमें से उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाह्य ये कह रहा है कि अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, वो बताना है। अभिप्रेरणा एक बाह्य अवस्था है जो एक काल्पनिक होकर वास्तविक है, तो ये गलत है, काल्पनिक ही होती है। ठीक है, और जब सॉरी ये काल्पनिक न होकर वास्तविक होती है, ये कह रहा है वास्तविक नहीं होती, काल्पनिक ही होती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, बुद्धि की प्रकृति के विषय में आप किस कथन से असहमत होंगे। ठीक है, बुद्धि के कारण ही व्यक्ति में विवेकशील व अमूर्त चिंतन करने का सामर्थ्य आता है, ये बात सही है। समस्या समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न होने वाली सूझ का सहारा लेता है, ये भी बात सही है। बुद्धि के फलस्वरूप ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करे ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है या हम इसे असहमत तो हो सकते हैं, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन को देखो, बुद्धि के कारण ही व्यक्ति में वातावरण के साथ समायोजन अनुकूल करने की योग्यता विकसित होती है, तो ये तो परिभाषाएं दे रखी हैं आपने, अगर बुद्धि चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पर ये संबंधित परिभाषाएं, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन जो 3 नंबर ऑप्शन है कि बुद्धि के फलस्वरूप ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करे, ये आवश्यक नहीं है भाई, ये आवश्यक है। ठीक है, तो आवश्यक है इसीलिए ये सही हो जाता है, लेकिन आवश्यक नहीं है तो इसलिए ये हम असहमत है इससे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, आपकी इस प्रकार जो भी 30 क्वेश्चन थे हमने सॉल्व करे, आपके कितने मार्क्स बने कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदी का। अभी यहाँ से हम देख रहे हैं जिन्होंने सेकेंड फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भर रखी है, जैसे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका गद्यांश है और ये 31 से लेकर 35 तक आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भी रहेंगे, और देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहे थे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि मानव में प्रत्यय कौन सा है, किस में, मानव में। ठीक है, तो
तो मानव में हम देखें तो मनु प्लस अ से बनता है, मनु की संतान होती है, इसे हम मानव बोलते हैं। और जो मानव है तो आप देख लो इसमें से कौन सा होगा प्रत्यय, इसमें से भाववाचक होगा नहीं, अपत्यवाचक कृत प्रत्यय होगा नहीं, असंबंध और अपत्यवाचक इनमें से होगा, इनमें से एक होगा, अब वो होगा चार नंबर ऑप्शन। ठीक है, हम जाएंगे चार नंबर ऑप्शन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपसर्गों के प्रयोग की दृष्टि से असंगत कौन सा है, परि प्लस आवरण, तो ये बनता है पर्यावरण। ठीक है, उत और या उद दोनों में से कोई भी ले लो, जैसे उत और उद और प्लस खनन, तो ये भी आपकी संधि हो जाती है व्यंजन, तो उत्खनन, ये भी इसमें भी उपसर्ग है। परि प्लस आवरण मैंने बताया था, यहाँ भी उपसर्ग है परि, असंगत में अ प्लस संगत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी उपसर्ग है। इस अप्रत्याशित को देखो, देखो अ प्लस प्रति प्लस, ठीक है, और आस में इत प्रत्यय जुड़ जाता है, तो तभी तो होगी प्रत्याशित। तो इस प्रकार यही हमें संगत लग रहा है, अकॉर्डिंग टू एक से अधिक इसमें भी उपसर्ग है और प्लस इसमें प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है इसलिए। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। देखो ये महाविनाश है ना, इसमें समास पूछा है, देखा जाए तो महाविनाश एक प्रलय भी होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है ये किस संदर्भ में जिसने भी सेट किया है ये पेपर। तो देखो यहाँ पर तत्पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि तत्पुरुष का ही भाग होता है कर्मदार है, इसमें होना है कर्मदार। अब नहीं है तो बहुपरी तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो हम जाएंगे इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं हम जा सकते हैं, लेकिन अगर हम ये समझें कि तत्पुरुष समास का ही भेद होता है कर्मदार, तो इसमें बी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, आप जो भी है आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ बोनस, यानी इसमें बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगला है गद्यांश में प्रयुक्त घोर संकट में घोर क्या है, यानी ये घोर संकट में ये घोर क्या है, ये क्या विशेषण है। ठीक है, देखने से ही बन रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि निम्न में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो विष्णुपति होता है, विष्णुपति बोलते हैं इसे, विष्णुपति पति नहीं पदी। ठीक है, विष्णुपति भगीरथी और नदीश्वरी, ये तो सभी गंगा के क्या है पर्यायवाची, लेकिन कालिंदी है ये यमुना का पर्यायवाची है, यमुना। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला फिर आ गया गद्यांश, जो हमें 36 से 40 तक के क्वेश्चन करने हैं इसी से, देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि निम्न में से लिंग की दृष्टि से असंगत कौन सा है। देखो ठीक है, असंगत तो इसमें से होगा अनुभव। ठीक है, बाकी सब स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, असंगति बताना था हमें लिंग से संबंधित। हमने इस छतरी पर लगभग आधे घंटे विश्राम किया, यानी कोई कार्य हो चुका है, तो ये सामान्य भूतकाल की बात हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अरे ये क्या हो गया, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से, या एक तो ये मिस्टेक है, निम्न नहीं है, निम्न लग गई है सामान, यानी 38 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से राजस्थानी शब्द हिंदी रूप प्यार है, हिंदी रूप प्यार है, एक तो बायरी और भाल, ये दोनों हो जाएंगे ए और बी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इस दरवाजे में अंधेरा रहता है, रहता है, रहता है, रहता है, तो ये होगा आपका सामान्य वर्तमान काल हो सकता है। अपूर्ण तो होता ही नहीं है, यहाँ पे रहा रही तो आ नहीं रहा है, सामान्य भूत का रह नहीं था तीते या ये ऐसा कोई संबंध भी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में सभा शब्द का प्रयुक्त हुआ है, वो एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में, या कोई नहीं, तो सभा हमेशा एक वचन में ही उपयोग होता है। ठीक है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, तो ये कहीं ना कहीं देखो संदेह तो इसमें है, हो ही नहीं रहा है, इच्छा ऐसी है नहीं, आज्ञा तो है नहीं, तो ये संकेतवाचक होगा, अगर आप हमें बुलाते तो हम आते, बिल्कुल आते। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें सी होगा ऑप्शन राइट। ये कह रहा है कि मिश्र वाक्य में परिवर्तन कीजिए, किसे राम आया और श्याम चल दिया, तो इसको हमें किस में चेंज करना है, मिश्र वाक्य में, तो ऑप्शन देखते हैं, दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, श्याम चल दिया और राम आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता, जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, ये जैसे ही शब्द से ही समझ में आ गया, ये मिश्र वाक्य यही होगा। ठीक है, ये बन सकता है, यानी 42 नंबर का ऑप्शन होगा सी नंबर ऑप्शन। हंस पद विराम का एक और नाम है, वो क्या है, वो त्रुटि विराम भी बोल देते हैं, यानी इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे भले नेता हैं, रेखांकित वाक्यांश है, ये विशेषण हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
ये है आसा रा दीवा राजस्थानी मुहावरे अर्थ मतलब आसा रा दीवा राजस्थानी मुहावरे का अर्थ है। तो ये बताना इसका अर्थ होगा होगा चार नंबर ऑप्शन है कि अच्छे भविष्य की उम्मीद करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो वो सीखने हेतु एक अच्छे स्लोकर्ता की होती है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि किस शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों का स्थान दिया गया है। तो देखो खेल को तो सभी ने दे रखा है। ठीक है, तो फिर भी हम बाल उद्यान पर जाएंगे। ठीक है, तो प्रोवाइड किए उससे संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है। अशुद्ध का उच्चारण नहीं है, अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है, जैसे सुलेख विहीनता, ध्वनि लोप, ध्वनि विकृति, शब्द लागव की प्रवृत्ति। ठीक है, तो इसमें से होगा जो क्वेश्चन होगा सुलेख विहीनता, ये एक अशुद्ध उच्चारण कारण नहीं हो सकता। ठीक है, बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होगा। तो अमूर्त विचारों से ये तो होगा नहीं, ठोस वस्तुओं से ये हो सकता है, समय से तो होगा नहीं, तो यानी ये होगा ठोस वस्तुओं से। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प समवाय विधि का द्योतक होगा। समवाय का मतलब सभी अंगों को या सब जिस रेफरेंस में आप इस समवाय को लोगे तो उसमें जो भी विधि या जो भी शिक्षण विधि अपनाते हो उसकी सभी विशेषता ले ली जाती है। ठीक है, तो वो होती है समवाय। जैसे ये कह रहा है दो भिन्न भिन्न भाषाओं के व्याकरण की तुलना करना, तुलना नहीं होती इसके अंदर। उदाहरण बताकर नियम, ये तो आगमन विधि का सूत्र हो जाता है। गद्य एवं पद्य रचनाओं के आधार पर व्याकरण पढ़ना, ये सर्व मतलब समवाय की एक कह सकते हैं विशेषता होती है। सूत्र बताकर उनकी व्याख्या, ये निगमन से संबंधित, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये है शुद्ध वर्तनी पाठ पढ़ाते समय शिक्षक से अपेक्षित व्यवहार है कि वो पहले अशुद्ध बताए फिर उसके बाद शुद्ध होता है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, अगला है कि एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है या कर रहे हैं, वे किस प्रकार के भाषाई कौशलों के विकास का उपाय कर रहे हैं। मतलब एक शिक्षक है कक्षा में कविता के वाचन पाठन का आयोजन कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, वो किस प्रकार के भाषाई कौशल का विकास कर रहे हैं। तो वाचन कर रहे हैं तो ये हो सकता है, देखो अभिव्यक्ति में अर्थ ग्रहण या अभिव्यक्ति। अगर ये वाचन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अभिव्यक्ति और अर्थ ग्रहण दोनों हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अपने अनुसार आप कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर और कौन सा हो सकता है। ठीक है, मेरे अनुसार पहला मान रहे हैं हम, वर्णमाला पढ़ना, वर्णमाला लिखना कौन से कार्य पहले कराया जाता है, यानी अगर इसे LSRW के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले पढ़ाना होता है उसके बाद लिखाना होता है। इसका मतलब होगा पहले हम पढ़ाएंगे बच्चे को। तो बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। शिक्षक की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं सीखने की गति से सीखते हैं वो कहलाती है अभिक्रमित अनुदेशन। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। सीखना कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन असत्य है ये बताना हमें। तो देखते हैं, पहला है कि पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुति में सरल और से जटिल की ओर होना चाहिए, तो ये तो सही है। मुद्रण पाठ्य पुस्तक का रूपात्मक पक्ष है, ये कह रहा है कि मुद्रण पाठ्य पुस्तक का रूपात्मक पक्ष है, तो ये सही है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य, ये गलत है, साधनी होती है ये, मतलब साधन होती है। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भाषा की वर्तमान परीक्षा प्रणाली का दोष क्या है, ये अनेक भाषा तत्वों के परीक्षण की उपेक्षा करती है। सही, साहित्यिक सौंदर्य तत्वों के बोध अनुभूति अभिरुचि के परीक्षण की उपेक्षा करती है, ये भी विषय वस्तु पर अत्यधिक बल देती है। यानी देखो ये तो दोनों नेगेटिव बात हो गई, यहाँ पर विषय वस्तु यानी पाठ्यक्रम पर ज़्यादा बल देती है, तो इस प्रकार ये उपयुक्त सभी हो जाएगी, यानी सभी नेगेटिव बातें हैं ये। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यह कथन किसका है कि उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने वो अच्छी आदत नहीं होने पर भी प्रदान किया जाता है। तो हम जाएंगे इसमें गुलामी, मायर्स और ब्लॉयर। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो सकता है ये नंबर ऑप्शन। जांच पत्र कई बार दिए जाने पर भी एक रूपता बनी रहे तो इस परीक्षण कहते हैं। मतलब जांच पत्र कई बार दिए जाने पर भी फल में एक रूपता बनी रहती है तो हम कहेंगे उसे विश्वसनीयता। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा एक प्रत्याभिज्ञान का प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, यानी ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कौन सा एक प्रत्याभिज्ञान प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है।
देखो एक होती है प्रत्यास्मरण, एक होती है प्रत्याभिज्ञान। तो प्रत्याभिज्ञान को इंग्लिश में रिकॉग्नाइज बोलते हैं, ठीक है, और प्रत्यास्मरण को रिकॉल बोलते हैं। रिकॉल दो प्रकार की होती है, फिल इन द ब्लैंक्स एक, और एक होती है कह सकते हैं वन लाइन आंसर होते हैं, जैसे राजस्थान की राजधानी क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो प्रत्याभिज्ञान है ना, इसमें आते हैं चार प्रकार के, जैसे मिलान वाले, एकांतर अनुक्रिया वाले, सादृश अनुभव वाले। लेकिन जो रिक्त स्थान वाले हैं ना, ये आते हैं आपके रिकॉल में, ठीक है, मैंने अभी बताया रिकॉल में आते हैं प्रत्यास्मरण, तो इसलिए ये राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि कौन सी शैक्षिक निदान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो शैक्षिक प्रकार प्रक्रिया मतलब शैक्षिक निदान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, वो हो जाएगा आपका शिक्षण विधि का चयन करना। तो ये हम बी पे जाएंगे, ठीक है। और ये जो भी 30 क्वेश्चन थे 31 से लेके और 60 तक, अब देख लेते हैं हम संस्कृत को, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं संस्कृत, जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज भर रखी है, ठीक है, देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे संस्कृत में, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो 61 से लेकर 65 तक हमें संस्कृत से जो गद्यांश दे रखा है, ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें उनके आंसर देने हैं, ठीक है। जैसा कि आपको 61 नंबर क्वेश्चन है कि सूचयतु इतस्य लकार पुरुषवचनस्य निश्चिनुत, यानी जो सूचयतु है उसमें कौन सा तो आपका लकार है और कौन सा वचन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये कह रहा है लूट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है या लूट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, इन दोनों में से एक ही है, क्योंकि इसमें उ की मात्रा लग रही है इस वजह से, ये तो ये दोनों कट जाएंगे। अब बताना एक वचन है या बहुवचन है, तो आपको मालूम बहुवचन होता बनेगा नहीं, अगर सूची हेतु में बनेगा तो एक वचन बनेगा, यानी लूट लगा प्रथम पुरुष एक वचन बनेगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तत्काक पत्नियाँ सब वसती इसमें रेखांत पदे विभक्ति अस्ति, यानी विभक्ति बताने कौन सी, किसमें पत्या नाम है, ठीक है। तो पत्या नाम है विभक्ति होगी, वो होगी आपकी तृतीया, ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उक्तवान में कौन सा प्रत्यय, तो इसमें कत्वतु है, तो देखते ही बन रहा है इसमें कत्वतु प्रत्यय हो जाएगा। अगला है कि अरण्याभिमुख अत्र संधि रस्ती, यानी अरण्याभिमुख अत्र संधि अस्ति, इसमें संधि बतानी कौन सी है अरण्याभिमुख में, तो इसमें कौन सी हो जाएगी अरण्य प्लस अभिमुख, यानी इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, इसका संधि विच करते हैं यहाँ पे आ बन जाएगा, यानी आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सुवर्ण हारम अत्र समासो अस्ति, तो सुवर्ण हारम में कौन सा समास है, तो सुवर्ण हारम में समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं, ये आपका पद्यांश है, तो पद्यांश है तो 66 से 70 तक हमें क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछे जाएंगे, तो देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। पापा निवारयति इति संधि विच्छेद करणीय, इसका हमें संधि विच्छेद करना है क्या होगा, तो देखो हम बताएं तो देखो ये तो होंगे नहीं दोनों, इन्हें हटा दो, इनमें से और ये दोनों में से होगा, तो देखना है, तो जिसमें हलंत लगा है ये द है, इसलिए यही राइट आंसर होगा, त नहीं आता है, ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। ये बनेगा पापाद प्लस निवारयति, ठीक है, तो ये द है, इसमें पंचम वर्ण में चला जाता है, तो ये पापाद निवारयति हो जाता है, ठीक है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला है संत अत का विभक्ति वचन स्तर, मतलब संत है उसमें बताना है कौन सी, तो इसमें विभक्ति वचन है ये बताना है, ठीक है, तो हम बताएंगे संत होगा प्रथम पुरुष और बहुवचन, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है आपादगतम इत समासो अस्ति, आपादगतम में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपादगतम इत समासो अस्ति, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। सन्निमत्रम ये कह रहा है सन्निमत्रम इत्यत लिंगम अस्ति, सन्निमत्रम में कौन सा लिंग है ये बताना है, तो ये हो जाएगा इसमें आप देख के वैसे भी बता सकते थे, ये नपुंसकलिंग हो जाएगा, नपुंसकलिंग, ठीक है। श्लोक है असमंत छंद, तो इसमें देख लो गिन के वर्ण कितने हैं, तो देखो एक दो, अरे ये कहाँ पर जा रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, तो देख लो वसंत लगा होगा इसमें, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा सही है, वसंत लगा ही होगा, चौदह वसंत लगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं झ इचुअसा नाम तालु च के बारे में आता है, तालु का है तालु ये रहा पहला ही, ठीक है, पहला ही हो जाएगा। और हितम मनोहारी च क्या होता है, दुर्लभ वच, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। सूरदास आंखों से अंधा था अस्य संस्कार अनुवाद कुरता,
सूरदास आंखों से अंधा था, तो इसका हमें संस्कृत अनुवाद करना है, तो सूरदास नेत्राभ्याम अंध आसीत, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, सूरदास नेत्राभ्याम अंध आसीत, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, यही होगा। अगला है विद्यालय गमनेन पूर्व गृह कार्य कुरु वाक्यस्य शुद्ध रूपम किम, इसका बताना है आपको शुद्ध रूप क्या होगा, ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप होना चाहिए वो होगा विद्यालय नाथ पूर्व गृह कार्य कुरु, यानी इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो अब ये है आपको रेगिस्तान पूर्ति प्रदत्तकूट सहायकन कुर्ता, यानी ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये संज्ञा ज्ञान से क्वेश्चन बनाया है, तो बताना है आपको इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखो इसमें से जो राइट आंसर होगा हमें बताना है रेगिस्तान पूर्ति कौन है, ये कह रहा है वाद मित्र क्रीडा सती, चलो ठीक है हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन पे जाओ, आप बी नंबर पे ऑप्शन पे जाओ, शारद पंच, यानी ये बच रहे हैं कितने, शारद पंच का मतलब 5:30, यानी 5:30 हो रही हैं, ठीक है, और 10 यानी ये बच रहे हैं 10 बज रहे हैं, यानी 10 बज रहे हैं, और पादोन 9 तो पादोन का मतलब होता है पौने, तो पौने कितने बज रहे हैं 9, तो ये 8:45 हो रही है, और सपाद सप्त यानी 7:15 बज रहे हैं, सपा 7 इसी को बोलेंगे सपाद सप्त, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से ये बी ऑप्शन होना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं भाषा रहस्यम इतिहास का रचना मस्ती, तो भाषा रहस्यम ये श्याम सुंदर की क्या है ये कह सकते हैं रचना है, ठीक है। अगला है यदा प्रथम काष्ठी पलके, यानी यदा प्रथम काष्ठी पलके यानी कह सकते हैं लकड़ी के गत्ते व निर्मित बृहद चर यीशु छाते इसमें उंगला, फिर उसका निर्माण करके उसमें उंगली फेरता है, अंगुलिया संचालन से यानी उंगली फेरता और अभ्यास करता है, तथा लेखन से अयम विधि बहते यानी इस प्रकार की विधि है वो किसमें आती है, तो मोंटेसरी से संबंधित है क्योंकि वो ज्ञान इंद्रियों से शिक्षा देने की बात करती है। गद्य शिक्षण विधि नास्ती, गद्य शिक्षण की विधि नहीं है, तो ये तुलना अनुकरण विधि ये आपकी गद्य की शिक्षण की विधि नहीं है, ठीक है, तो उद्बोधन और प्रवचन ये आपकी गद्य की शिक्षण विधि होती है। निगम विधि सोपान क्रम अस्ती, तो ये कह रहा है कि निगम विधि का सोपान कौन सा है, तो पहले नियम बताएंगे, फिर स्पष्टीकरण करेंगे, फिर प्रयोग प्रदर्शन करेंगे, फिर पुनः परीक्षण करेंगे, यानी ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा राइट, क्योंकि उसने क्रम पहले ही दे रखा है। मौखिक परीक्षा या विदो नास्ती, मौखिक परीक्षा नहीं है वो होता ना, ये वस्तुनिष्ठता है ना वो नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो सलाका परीक्षा शास्त्र और अंत ये सभी मौखिक से संबंधित होती है। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, अरे यार ये क्या हो रहा है, अधुलिखितेषु सर्व्य दृश्य साधनम अस्ति, तो ये देखो सभी हो जाएंगे, जैसे संगणक कंप्यूटर हो गया, दूरदर्शन टेलीविजन हो गया, सर्व दृश्य अभिलेख जो भी हो सकता है, ठीक है, तो सर्वण यानी सभी हो जाएंगे। शिक्षण सूत्राणाम सिद्धांत का प्रतिपादन, शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया था, तो सर्वप्रथम स्पेंसर ने किया था, अल्बर्ट स्पेंसर ने, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन ने भी संभाला था, तो इस प्रकार ये दोनों हो जाएंगे उभय। मूल्यांकन अस्थि, मूल्यांकन ये उद्देश्य निष्ठ प्रक्रिया बिल्कुल सही है, व्यापक प्रक्रिया ये भी सही, सतत प्रक्रिया ये भी सही है, सर्वमापी यानी ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यस मैंने काव्य शिक्षण विदु शिक्षक पूर्व शब्दानाम व्याख्या करोति तत् परम श्लोक अर्थम कथयति त सविधि, यानी ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी काव्य शिक्षण की विधि है जो पूर्व में ही शब्दों की व्याख्या कर दी जाती है, तो उसके बाद श्लोक का अर्थ बताया जाता है, तो इस प्रकार की विधि को व्याख्या विधि के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर होगा ई नंबर ऑप्शन। अगला है 85 नंबर नाटक शिक्षण का विधि सर्वोत्तम, तो नाटक विधि का सर्वोत्तम विधि है तो वो समवाय विधि होगी, अगर उद्देश्य निष्ठ पूजता तब शायद हो जाती है आपकी, तब कौन सी होती, तो वो मैं लगाऊंगा, कौन लगाऊंगा लगाऊंगा, चलो छोड़ देते हैं क्योंकि कन्फ्यूज है, तो मैं ये जो क्वेश्चन पूछा है ये सही है, यानी नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि पूछे तो संभव होती है, तो उद्देश्य निष्ठ की कौन सी होगी, कच्चा अभिनय या रंगमंच, देखो ये कन्फ्यूज हूँ तो मैं बस इसका तो राइट आंसर 4 नंबर ही होगा, ठीक है। भाषा या विशेषता अस्थि भाषा, भाषा या विशेषता, भाषा की विशेषता क्या है, भाषा एक व्यवस्था अस्थि, भाषा एक व्यवस्था है या अनुकरण ज्ञायते अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा सभ्यता विकास अनुपति, भाषा सभ्यता के विकास में सहायक है या
सही है, यही अर्थ निकलेगा। भाषा स्थूल सूक्ष्म प्रति, यानी भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है, तो यानी सभी सही है, इसके उपयोग सभी हो जाएगा। संस्कृत पाठ्य पुस्तक से भेदो अस्ति, संस्कृत पाठ्य पुस्तक के भेद हैं। सूक्ष्माध्ययनस्य पुस्तकम सूचना अध्ययन के लिए पुस्तक होती है, विस्तृत अध्ययनस्य पुस्तकम विस्तृत अध्ययन करने वाली पाठ्य पुस्तक होती है, उभय दोनों होती है, कोई नहीं तो इसमें उभय दोनों ही होती हैं, ठीक है। मौन वाद जिक्र, मौन पठनस्य उद्देश्यम वर्तते, मौन पठन का उद्देश्य क्या होता है, तो वो होता है छात्र से स्वाध्याय परम्परा विकसनम, यानी छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना, ऐसे कह सकते हो। छात्रेषु अर्थ ग्रहण क्षमता विकास, छात्रों में अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। अवधान केंद्रीकरण क्षमता विकास, यानी ध्यान केंद्र करने की एक कह सकते हो क्षमता का विकास करना, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी। अस्य पद्धतौ व्याकरणस्य प्रधानं भवति, ये कह रहा है कौन सी ऐसी पद्धति व्याकरण की प्रधानता होती है, तो दंडानवे विधि, यानी दंड विंद्रो, यानी दंडानवे विधो, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन है अभिनय विधि विदो अस्ति, सॉरी अभिनय विधि विदो नास्ति, यानी नहीं है अभिनय की विधि। कच्चा अभिनय होता है, रंगमंच अभिनय होता है, गीता अभिनय और सर्वे, तो गीता अभिनय होता है क्या, नहीं होता है। गीता अभिनय, गीता अभिनय, गीत प्रस अभिनय, गीता अभिनय, तो अभिनय का ये प्रकार नहीं है, तीसरी नंबर ऑप्शन है, यानी यही पूछा है नास्ति, तो यही नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या कहते हैं कि जब भी सभी क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, बाकी मैं क्या बोलते हैं, इसके बाद आएगा मैथ, फिर उसके बाद आएगा ईवीएस, ये सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं अगला सेशन है जो भी मैथ का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो, आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि तब देख ही चुके हैं, हम बात कर रहे हैं जो कलाम के द्वारा या कलाम अकेडमी सीकर द्वारा जो पेपर हुआ था आपका 4 अप्रैल को, तो उसमें जो ईवीएस यानी एनवायरमेंट स्टडी संबंधित, पर्यावरण अध्ययन संबंधी जो भी 30 क्वेश्चन बनते हैं सिलेबस अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन आए, तो इन्हें देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहे थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैसे 121 नंबर क्वेश्चन था कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो इसमें ऑप्शन दे रखी 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2015 और 15 अगस्त 2015, तो इसका राइट आंसर था पहला ही ऑप्शन, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014। ये दिल्ली से स्टार्ट किया गया था, उस टाइम के तत्काल प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन था, ये आपका है, अगला क्वेश्चन ये था कि निम्नांकित कर दिए, यहाँ पर निम्नांकित हो गई, यातायात संकेत का अर्थ क्या है, तो इसका हम देखते हैं। देखो ये चिन्ह है, तो ये बताना है ये किससे संबंधित है, तो ये होगा आपका फाटक वाला रेल परिपथ, क्या फाटक वाला रेल परिपथ, और जब भी आप गुजरते हो तो वहाँ देखते होंगे इस तरह का एक बोर्ड सा लगा रहता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका अगला क्वेश्चन 123 नंबर था, ये था कि देखो यहाँ पे भी मिस्टेक है प्रिंट, चलो कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना था। पहला ऑप्शन था संतोष यादव कांगसुंग की तरह से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ये कथन सही है। प्रेमलता अग्रवाल उत्तरी अमेरिका के माउंट मैकनले पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ये भी बात सही है। बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है, ये भी बात सही है। ये कह रहा है मलावत पूर्णा पर्वतारोहण अभियान के जुड़ने वाली सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला है, ये कथन गलत है। तो यही पूछा था कि असत्य कौन सा था, इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा असत्य कथन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका अगला क्वेश्चन 124 नंबर था कि ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन थे, ठीक है। तो ये आपके पटवार में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ये यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है। तो ये जादूगर भी कहे जाते हैं इस चीज़ के, किसके, शिल्पकार के, ब्लू पॉटरी के, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, 125 नंबर क्वेश्चन था कि दक्षिण राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न क्या है, तो दक्षिण राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न होता है मक्का, ठीक है, ठीक है, इसे बीज बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, 126 नंबर क्वेश्चन रहा था कि राज्य पक्षी घोड़ावर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है, राज्य पक्षी घोड़ावर के बारे में असत्य कथन बताना है। तो देखते हैं, इसे शर्मिला पक्षी व सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, ये बात सही है, ठीक है, हमें असत्य बताना है। विश्व में इसकी सबसे ज़्यादा संख्या राजस्थान के थार मरुस्थल में पाई जाती है, ये भी बात सही है, और ये घास में रहना पसंद करते हैं, इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, अगले पे चलते हैं। 1983 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित कर दिया गया था, ये भी बात सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि घास के घास में रहना पसंद करता है, जब ये यहाँ मरुस्थल में रहता है तो यहाँ पर घास कहाँ से आए, आप भी सोच सकते हो, ठीक है, तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
इसका राइट। अगला देख लेते हैं, अगला है कि मुर्गा सॉरी घोड़ा मुर्गा तथा बया के घर क्रमशः, ये आपको तीन क्रम दे रखे हैं, इन तीनों क्रमों के अनुसार इनके घर के क्रम बताने हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो देखो पहले में कि जो घोड़ा है वो कहाँ पर रहना, अस्तबल में, तो यहाँ पर भी अस्तबल है। अगला देखते हैं मुर्गा कहाँ पर रहता है, तो ये मुर्गा रहता है आपका दड़बा, ये ऑप्शन होगा दड़बा में, क्योंकि पीलखाना में नहीं होगा। और आपका जो बया है ये रहती है घोंसला में, तो यानी ये सी नंबर ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए, ठीक है। तो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो 128 नंबर क्वेश्चन रहा है कि भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन है, ये मिलान करना है, और बाकी ये सभी दे रखे हैं डिस्ट्रिक्ट हैं या कुछ स्थान दे रखे हैं। जैसे ये कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। ये कह रहा है पर्चा बावड़ी, जो आपकी पर्चा बावड़ी है वो किससे संबंधित है, खिन्नी बावड़ी किससे है, चांद बावड़ी कहाँ पे, और जो नीम राणा बावड़ी कहाँ पे, तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, देखते हैं जैसे लिख रहा है इसमें, हम चार नंबर ऑप्शन से चलते हैं कि नीम राणा बावड़ी कहाँ पे है, ये आपके अलवर में हो जाएगी, और आपकी और देखते हैं, चलो चांद बावड़ी है ये आवानेरी आपकी दौसा में हो जाएगी, तो खिन्नी बावड़ी ये आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी खिन्नी बावड़ी जालौर से संबंधित, और आपकी पर्चा बावड़ी हो जाएगी रामदेवरा से, शायद यही है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पहले का या कह सकते हैं पहले का दूसरा हो गया, और दूसरे का पहला, ये और ये सही है, तो यही हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन था कि राज्य के किस दुर्ग को मेवाड़ की आँख के उपनाम से जाना जाता है, तो आपका कुंभलगढ़ हो जाएगा इसका, ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाए। अगला है कि निम्न में से 131 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य बताना है, रैन बसेरा और बेघर लोगों के स्थायी आवास हैं, ये बात सही है, पहाड़ी क्षेत्रों में मकानों की छतें ढालू होती हैं, ये भी बात सही है, बर्फ से बने मकान को क्रॉल नहीं कहते हैं, इसे इग्लू कहते हैं, आपने अगर पढ़ रखा हो तो इग्लू कहते हैं, तो यानी यही ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 132 के, निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं सुमेलित नहीं है कि हरियाली अमावस्या मेला ये उदयपुर, ये सही है, और फूल डोल मेला 12, ये 12 नहीं होगा, यहाँ पर होगा भीलवाड़ा, ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, हमें पूछा क्या था इस क्वेश्चन में, हाँ यही पूछा था कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी ये ख्वाजा का और साजमेर है, पांडुपोल मेला ये अलवर में, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, ये कह रहा भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो है, ये सख संबंध से संबंधित होता है, जो राष्ट्रीय पंचांग होता है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगला देख लेते हैं कि जो प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु किस अंतरिक्ष यान की पृथ्वी पर लौटते समय हो गई थी, तो वो आपका था कोलंबिया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं कि सम्यूकस फाइब्रोसिस किसके सेवन के कारण होता है, तो ये तंबाकू से संबंधित है, लेकिन देखो तंबाकू इसमें नहीं होगा, क्योंकि सम्यूकस फाइब्रोसिस होता है वो गुटखा चबाने से होता है, ठीक है। तो आप अगर पढ़ते हो तो क्लास 10th की पहला ही चैप्टर दे रखा है RBS की बुक में, RBS तो वहाँ पे पढ़ना, तो जो सम्यूकस फाइब्रोसिस है वो गुटखा खाने से होता है, आप वहाँ पे भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। अगला है कि जिला उपभोक्ता मंच की संरचना होती है, तो वो एक अध्यक्ष होगा, दो सदस्य होंगे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जल का कार्य नहीं है, यहाँ पर बताना आपको जल का कार्य नहीं है, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण करना, सुरक्षा प्रदान करना, और उपयुक्त सभी जल के कार्य हैं। यहाँ पे तो देखो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ वाटर, तो मतलब जल का कार्य नहीं है वो बताना है हमें, तो ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होना चाहिए, कार्य नहीं है, तो ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ठीक है, तो मैं जाऊँगा ए नंबर ऑप्शन पर। आपका जो भी इसमें राय हो तो कमेंट करके बताएं, 137 नंबर का क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है मनुष्य की मुख गुहा में कुल कृदनक या कृतक बोलते हैं दांतों की संख्या कितनी है, ठीक है, बकल कैविटी ह्यूमन इनसाइज, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है,
देख लेते हैं। आपने अगर दांत देख रखे हैं, सूत्र देख रखा हो, या एक 21/23 ये होता है, अगर आप 10th की बुक देखते हो तो वहाँ पर देखना। देखो ऐसे होता है, इन्हें बोलते हैं, हाँ सही है, इंसाइजर, और इसे बोलते हैं केनाइन, इसे बोलते हैं प्री मोलर, इसे बोलते हैं मोलर। हमें क्या पूछा गया है, वो कह रहा है कि इंसाइजर दांत हैं ये हैं, यानी 2/2, यानी ऊपर के दो दांत, तो 4 हो गए, और नीचे के दो दांत तो 4 ये हो गए, यानी 8 हो जाएंगे टोटल। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन है क्या, 8, ये रहा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट। एनीमिया रोग में शरीर किसकी कमी हो जाती है, यानी जो एनीमिया रोग होता है उसमें किसकी कमी हो जाती है, तो इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है, रक्त यानी ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, 140 नंबर क्वेश्चन था, समान कोशिकाओं के समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता है, 9th क्लास की अगर बुक पढ़ते हो तो उसमें कोशिका एक चैप्टर दे रखा है यानी सेल, तो उसमें देखना, या पेज नंबर तो ध्यान नहीं है, वहाँ पर एक सीधी लाइन दे रखी है, यानी समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं यानी टिश्यू कहते हैं। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा साधन मुद्रित एवं चित्र संदेशों को उसी रूप में भेजने का श्रेष्ठ साधन है, तो ये आपका फैक्स है, अगर आरटेट 2011 लेवल 2 में ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये वहीं से लिया है। चलो अगला देख लेते हैं कि राजस्थान के राज्य सभा और लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या कितनी है, तो वो आपकी 10-25 होगी, ठीक है, यानी राज्यसभा में 10 हो जाएंगे और लोकसभा में 25 हो जाएंगे। 143 नंबर क्वेश्चन था कि कच्चे माल की उपलब्धता के कारण किस जिले को सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना गया है, ठीक है, तो ये आदर्श माना गया है, चित्तौड़गढ़ होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 144 नंबर, ये आपके शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन बन गए हैं, यहाँ से देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या का नियोजन हेतु सुझाव, ये ध्यान रखना, ठीक है, नियोजन हेतु पहला है ऑप्शन क्या है, देखते हैं कि प्राथमिक स्तरों पर प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को गणित और भाषा के अंतरंग भाग की तरह समझाया जाए, ये सही है, बच्चों को ऐसी गतिविधियों में लगाया जाना चाहिए वे भौतिक जैविक और सामाजिक और सांस्कृतिक रेखांकन के माध्यम से वातावरण को समझ सके, ये भी बात सही है, प्राकृतिक वातावरण के अध्ययन में उसके संरक्षण और क्षरण से बचाने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए, ये भी बात सही है, यानी उपरोक्त सभी इसके ऑप्शन हो जाएंगे सभी। अगला है 145 नंबर क्वेश्चन क्या रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत नहीं है, नहीं पूछा है, तो देखते हैं, ये कह रहा है सांस्कृतिक संबंधों का सिद्धांत, उपयोगी विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत, और रुचि का सिद्धांत, और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत नहीं है, ठीक है, एक बार इंग्लिश देख लेते हैं, फॉलोइंग इज नॉट एनवायरमेंट स्टडी थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो देखो ये तो सिद्धांत होता है, ये भी सिद्धांत होता है, ये भी चेन का है, ये आपके थोंडाइक से संबंधित है, तो ये भी है, ये भी थोंडाइक से ही है, और बात करें सांस्कृतिक संबंधों का सिद्धांत, ठीक है, तो क्यों ये हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, यानी इसमें बोनस सभी को मिलना चाहिए, सभी सिद्धांत होते हैं, तो देख लेना आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें लगा सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग तो ये सभी ऑप्शन सही है इसमें। चलो अगला देख लेते हैं, 146 नंबर है, प्रयोजन विधि के जन्मदाता कौन है, तो फादर बताने हैं, तो इसमें किलपैट्रिक, जॉन डी भी दे रखे हैं, तो ये तो विचारक थे, अगर यहाँ पे ये ऑप्शन ना आता फिर हम लगा देते जॉन डी भी, अगर ऑप्शन दे रखा है तो हम किलपैट्रिक के पास जाएंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन पर, ठीक है। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 140 नंबर क्वेश्चन बता दिया था, इसका राइट आंसर होगा कौन सा, होगा 2 नंबर ऑप्शन यानी बी होगा किलपैट्रिक, ठीक है, जन्मदाता किलपैट्रिक ही है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, 147 नंबर क्वेश्चन बना था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बल दिया गया है, ये किस पर बल दिया गया है, तो देखो कोई भी ऐसा होता है कि जो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ऐसे स्पेशल ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्टली बोल दिया इसका इस पे बल दिया गया है, अब आपको खुद अपने संदर्भ में सोच के बताना है इसमें से कौन सा हो सकता है, तो देखो मैं जाऊंगा आपका सी नंबर, अधिगम के लिए आकलन, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो ये सी नंबर ऑप्शन पर मैं जाऊँगा, और बाकी आप अपनी राय के अनुसार लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे अकॉर्डिंग सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से प्रक्षेपित सामग्री कौन सी है, यानी जिसे हम
क्या कर सकते हैं, सॉरी अप्रक्षेपित, यानी जिसे प्रक्षेपित नहीं कर सकते वो बताना है। तो इसमें देखो ग्रामोफोन है ना, ये आपका श्रव्य साधन होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। बाकी ये तीन ऑप्शन है ये दे रखे हैं, ये सभी प्रक्षेपित होते हैं। अगला है कि कोविड-19 के दौरान विद्यालय बंद होने के कारण विद्यार्थी के अध्ययन की निरंतरता के लिए राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा लागू किया गया कार्यक्रम कौन सा था। तो देखो ये रेलवे की परीक्षा हुई थी ना, तो उसमें हर स्टेट ने अपने अपने स्तर पे कुछ ना कुछ क्या जो ऐप चलाई थी, जो स्टूडेंट जो भी पढ़ाने के लिए ऑनलाइन, तो उस ये रेलवे की परीक्षा में ये सभी ऐपें पूछी गई हैं। तो ये कह सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा वहाँ से उठाया क्वेश्चन, लेकिन ये अब राजस्थान के अकॉर्डिंग बनाया है, तो इसका राइट आंसर होगा स्माइल ऐप। हर राज्य की अपनी अपनी एक ऐप चली है जो कोरोना काल में, ठीक है, वही पूछा है कि जो 19 जो कोरोना काल का था, जो कोविड-19, तो उसके दौरान कौन सी राजस्थान में ऐप थी जिसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाती थी। ठीक, तो वो आपकी थी स्माइल ऐप। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि परिचर्चा का उद्देश्य है, परिचर्चा का उद्देश्य है विषय विषय के विस्तार से ज्ञान देने हेतु, ठीक है, और मूल्य के निर्धारण में सहायक होता है, छात्रों में तार्किक चिंतन की योग्यता करने हेतु होता है परिचर्चा का उद्देश्य। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमने जो 30 क्वेश्चन आए थे तो कमेंट करके बताएं आपके कितने मार्क्स बनने दे। ठीक है, और किसी क्वेश्चन के लिए किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है कि ये कुछ ऑप्शन राइट आंसर हो सकता है तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताएं। ठीक है, और देखा जाए तो ये सभी क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप ये जरूरी नहीं है कि आप सभी आंसर आते हैं, आपके लिए ये जरूरी जरूरी होता है कि जो क्वेश्चन आने वाला है भविष्य में वो हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।